माँ मुझे 20,000 रुपए दो फटाफट से। क्या हो गया बेटा, तू तो इतना परेशान क्यों है? अरे माँ, मेरे दोस्त ने राधिका, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में एडमिट है। पर एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे माँ, क्या हुआ कैसे हुआ बाद में बताऊंगा, पैसे दो आप फटाफट से, इमरजेंसी है बहुत ज्यादा। हाँ चल आ जा, मैं पैसे देती हूँ। हाँ ये ले बेटा। माँ मैं शाम को आता हूँ। ये भगवान रक्षा करना। अरे राधिका बेटा, एक मिनट ना, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अरे आंटी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारे पापा कैसे हैं? पापा कैसे हैं? पापा तो बिल्कुल ठीक है आंटी, उन्हें क्या हुआ है? अच्छा, अब पर अभी कुछ दिन पहले मुझे रोहन ने बताया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया, और उसने तो तुम्हारी हेल्प के लिए मेरे से 20,000 रुपये भी लिए थे। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? आंटी, रोहन से मेरी काफी दिनों से बात नहीं हो रही है। पर क्यों? क्या हुआ माँ, इतने परेशान क्यों? बेटा मैंने फैसला लिया कि मैं अब वृद्धाश्रम में रहूंगी। वृद्धाश्रम? कैसी बात कर रहे हो माँ? ये क्योंकि मैंने ये घर बेच दिया, और इस बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने से तो अच्छा है ना कि मैं वृद्धाश्रम में रह लूं। मैंने तो अपना ठिकाना देख लिया, तू अब अपना देख ले। अरे पर अचानक ऐसा क्या होगा कि आपको घर बेचना पड़ रहा है? जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना बेटा, उस रास्ते पे चल के एक दिन तो ये घर बिकना ही था, तो उससे पहले ही मैंने बेच दिया। मतलब मैं समझा नहीं। तुझे समझ नहीं आ रहा, तू झूठ बोल बोल कर लोगों से उधार ले लेकर सट्टा खेल रहा है, और जिस दिन ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो उसे तू घर ही बेचेगा ना। आंटी, रोहन आजकल की एड्स के इन्फ्लुएंस में आकर बैटिंग ऐप में पैसे लगा रहा है, और इस चक्कर में उसने काफी पैसे गवा दिए। और सिर्फ आप ही नहीं हो जिसे झूठ बोलकर उसने पैसे उधार लिए, उसने और लोगों से भी पैसे लिए आंटी, इवन मुझसे भी, और उसने अभी तक पैसे लौटाए नहीं है। क्या? आंटी मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, यहाँ तक कि मैंने उसे बात करना भी बंद कर दिया ताकि उसे अपनी गलती रियलाइज हो, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है आंटी। इवन इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसने मुझसे दोबारा बात करना भी ठीक नहीं समझा। चिंता मत करो बेटा, मैं उससे बात करती हूँ। बेटा सट्टे में सट्टा खिलाने वाले के अलावा किसी का फायदा नहीं होता, बस खेलने वाले तो दिखावी चमक धमक के तले दब जाते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं। ना जाने कितने घर सट्टे के चलते मैंने बर्बाद होते हुए देखे, और जब मुझे तेरे बारे में पता चला तो मैंने अपना ठिकाना देख लिया और ये घर बेच दिया। इस घर को बेचकर जितने पैसे बचे हैं ना, तू रख ले अपने पास और खेल ले उसे सट्टा, और भूल जा अपनी माँ को। नहीं माँ, माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ये सट्टा ये उल्टी सीधे काम कभी नहीं करूंगा माँ प्लीज। पर अब घर मत बेचो माँ, आप वृद्धाश्रम में थोड़ी रहोगे इस उम्र में। माँ मैं आपकी कसम खाता हूँ कि सच्ची में आज के बाद कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तू मेरी कसम मत खा, बस तू समझदार हो जा। हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सच में नहीं करूंगा कभी ऐसा। पक्का? पक्का, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। तुझे क्या लगता है, तेरी इन बेवकूफियों की वजह से मैं अपना ये घर बेच दूंगी? मतलब आप झूठ बोल रहे थे इतनी देर से? और क्या। अच्छा अब तो मुझे बता दे किस किस के कितने कितने पैसे देने, अब सबका हिसाब चुकता कर और एक नई शुरुआत कर। जी मैम, थैंक यू सो मच।